आप मेरा कोई भी अब जैसे उसके बाद डेलीगल आया था है ना डेलीगल आप देखोगे तो डेलीगल भी उसी बारे में कि क्रिएटेड अ सीन जैसे कि एयरपोर्ट वाले बिट में क्या था कि एक लड़का जो कभी प्लेन नहीं प्लेन में नहीं बैठा है और उसका जो इमेजिनेशन रेफरेंस है उसका वो है बस और ट्रेन तो वो बस और ट्रेन के रेफरेंस से ही देख रहा है वो उसको ठीक है और उसमें आप वियर्ड वियर्ड एनलाजीज एनालॉजीज डाल रहे हो आप उसमें कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद ये हुआ इस वजह से ये हुआ ना, है ना वो जो अजम्पन का जो पूरा खेल है ना वही तो है डेलीगर्ल भी तो कि एक लड़का है जिसका पहला ओपनिंग लाइन ही है कि मैं तो बॉय स्कूल से पढ़ाऊँ मैंने लिखे नहीं देखी जिसका ओपनिंग लाइन कि मैं अमीर लोग देख के डर गया वो आपको लग रहा है कि मैंने आप सिचुएशन एड्रेस करी नहीं मैंने सेट किया है आपको उसमें ठीक है जब मैं आपको उसमें सेट कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद मैंने क्या स्टेब्लिश किया कि मैं एक बॉय स्कूल का आया हुआ ऐसा लड़का जिसने लड़कियां नहीं देखी हैं जिसको कोई रेफरेंस नहीं है और वो एक लड़की से मिला है जो उसकी क्लास से फाइव क्लासेज ऊपर है दैट बिट इज अबाउट क्लास डिवाइड है ना <laughs> तो वही एयरपोर्ट वाला भी तो बिट है क्लास डिवाइड के बारे में वो भी ठीक है कि वो उस लड़की का रेफरेंस वो सुशी खाती है उस लड़की का रेफरेंस वो सबसे अच्छे रेस्टोरेंट जाती है और आपकी हैसियत में ही नहीं है वो लड़की तो इसलिए यू आर नॉट श्योर टाइम कि ये, जो जा रहा है, ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा है कि यार इतने इतनी बात कर दी क्या मम्मी को फोन कर दूं क्या तो आप देखेंगे दोनों बिट्स जो है वो एक ही उनका जो मॉरल है वो एक ही है ना किस्पेक्टिव दैट यू ब्रिंग इज़ योर ट्रू परस्पेक्टिव जैसे कभी कभी ऑब्जर्वेशनल बिट्स जब लिखते हैं तो फिर अगर इस पर लिखना है तो हम ऐसे देख रहे होते हैं बट एवरी टाइम योर परफॉर्मिंग इट्स मोस्टली यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव जो दैट्स वॉट दैट कैरेक्टर गैट्स एस्टैब्लिश बिगिनिंग से ही लाइक इवन इन द स्पेशल तथास्तु इनिशली um, जब आप इसके साथ टोर कर रहे थे वॉज वॉज दथास्तु इन द बैक ऑफ योर हेड कि हाउ डिड इट बिकम लेट सेट आर एंड अ हाफ टेक्निकली टू आर यू है सोचा था क्या हुआ कि हमारे घर के सबसे इंफ्लुंशियल फिगर है अब्बाजी ठीक है हम बहुत बड़ा परिवार है हमारे पूरे खानदान का बॉन्डिंग यही है कि हम अब्बाजी की बुराई करते हैं ठीक है मोस्ट पावरफुल नो पर्सन अराउंड यू ठीक है तो हम लोगों का यही तो हम उनकी कहानियां सारी फनी वगैरह हमारे कजन में बहुत चलती थी hmm. तो जब मैं कॉमेडी uh, करने लगा और अपने दोस्तों को मैंने उनके बारे में बताना चालू किया कि यार मेरे दादा ऐसे आफ्टर ही पासड अवे तब क्या हुआ कि तब नाम भी ठीक ठाक था लोग भी बहुत कंसर्न थे तो उन्होंने बहुत पूछा उसके बारे मेंराउउंड यू ठीक है तो जब मैं उनके बारे में बात कर रहा था तो मुझे वो सारी किससे याद क्योंकि जब आप आपके कजिन से जब आप बात करते हो अपने दादा के बारे में तो कुछ अच्छी बातें तो आप करते नहीं हो so <laughs> ना ठीक है okay, बुराई, 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 करते हो हो और फिर आगे बढ़ जाते ठीक है <laughs> पर जब किसी और बाहर के किसी व्यक्ति को बता रहे होते हो वो बात hmm. तो आप उसको एक उनके पूरे पर्सनैलिटी को ग्राउंड ऑफ देना चाहते हो ना कि ऐसे भी आदमी थे और ऐसे भी आदमी थे ये भी करते थे और ये भी करते थे तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे बार बार मेरे दोस्तों ने बोला कि यार ये बातें तो आपको बतानी चाहिए बाहर

outsource you're just the channel yes uh, but before tathastu i don't think was that same perspective i think after family went through a certain amount of trauma because of his loss uh, artistically change changed before and after or is that too personal a question you know what i mean right like artistically, I, I don't think so the, the hard work is still there hmm. uh, as a person i am uh, i'm very dedicated to my job hmm. uh, to to anything i do hmm. and i am not very result oriented also ट इज समी पर्सनलीस आएम वेरी बहुत मेहनत करता हूँ बहुत कॉम्पिटेटिव हूँ mm. और रिजल्ट से मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ता ठीक है मेरे को एक ही चीज से फर्क पड़ता है वो है ग्रोथ. Mm. Mm -hmm. रिजल्ट बहुत छोटी चीज है साहब mm. ग्रोथ अगर आपने पकड़ ली ना फिर कुछ फिर गेम ही चेंज हो जाता है एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत बात रही वो ये है कि एज अ कमेडियन ऑल्सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स ऑन स्टेज लाइक मेरे शोज ही तीन तीन घंटे के होते हैं तो जो मेरा स्टेज टाइम है वो कंपेरेटिवली मेरे पेयर से बहुत ज्यादा है ठीक है तीन घंटे का अगर एक सो कराऊ दिन में दो सौ कराऊँ तो मैं छह घंटे स्टेज पे हूँ ठीक है है ना लोग महीने भर भी छह घंटे स्टेज पर नहीं होते ठीक है जितना मैं हफ्ते में करता हूँ लोग साल में उतना घंटा स्टेज पर नहीं कर पाते हैं जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टैंडिंग देर एंड डिलीवरिंग इट एंड वो मैच प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं ना आप कि आप खड़े हो आपने बैटिंग नहीं करी आपने बॉलिंग नहीं करी पर वो जो प्रेशर आप हैंडल कर रहे हो ना वही आपको बहुत ज्यादा रियाज देता है आपको अनदर एनालॉजी आई कैन प्रोबेबली गिव फॉर दिस इज दैट जितने फॉर पायलट्स इफ दे स्पेंड अ लॉट मोर टाइम एयरप्लेन में चला उड़ाते हुए दे सी ऑल कंडीशन पॉसिबल सो इफ यू लुक एट माई स्टेज टाइम ऑल्सो शायद एक हफ्ते में इट बी इन 15 15 minutes, but in your case, And if you're doing two shows, just the amount of time you've been on stage yes, is something that I never thought of before because I'm like Zak is doing his show and then he's doing spots, but I now realize that your shows are also longer, so your stamina of doing like a three hour show is way beyond, let's say, my stamina, which will be tops an hour and a half like on my best day. मतलब वो आपसे कंपैरिजन नहीं भाई क्योंकि हर कमेडियन का अपना एक तरीका है कोई तबला बजाता है कोई सारंगी बजाता है कोई सितार बजाता है कोई ड्रम्स बजाता है कोई गिटार बजाता है ठीक है वो तीनों का साउंड कंपेरेबल नहीं है ठीक है ऐसी एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट से कंपैरिजन फेयर नहीं होता है hmm. event, नहीं, पर मतलब आपका तरीका करने का अलग है hmm. आ, आप hmm. गाने वगैरह गा पाते हैं आपका एक पर्सनालिटी ड्रिवन चीजें हैं आपके जोक्स का एक अपना लैंग्वेज है ठीक hmm. है मेरा स्टोरी बेस्ड होता है सब कुछ तो वो hmm. वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एंड दैट इज समथिंग विच आई ट्रूली ट्रूली एडमायर यू आई डोंट नो आई डोंट थिंक सो लॉट ऑफ पीपल नो दैट बट अभिषेष सीन मी बॉम द हार्डेस्ट इन माई है ना भाई आई हैव नेवर सीन अबिश बॉम्ब आई हैम डिसम डिसपेक्ट एनी काइंड ऑफ शो कि कॉपरेट शो में भी ना अबिश पुट्स लाइक टू हंड्रेड परसेंट और वो जो मॉरल uh, है ना आपका काम करने का hmm. जिसको आप बोलते हैं आपके सिद्धांत क्या है आप किन वैल्यूज पर काम करते हैं वो वैल्यूज आपकी बहुत मतलब मैंने चुराई है वो तो like, मैं ना कि, नहीं नहीं यार, अगर आप काम करते हो तो ऐसे काम करना चाहिए बट ड्यूरिंग टाइम और 13 के बीच में जब हम बहुत आहा, आहा, मैं तो ये oh. दे ही नहीं पाऊंगा ठीक है और उसके अंदर मैंने उनको पहली बार देखा दिस वेरी आई वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम एंड ही वॉज डूइंग डूइंग ग्रेट इन लाइफ पर उन्होंने जिस तरह से हैंड होल्डिंग करी मेरी एक होता ना कि कोई कोई जो पहली बार आ रहा है कोई सीख रहा है उसको कैसे नर्चर करते हैं वो मैंने आपसे सीखा और मैं अपनी जिंदगी में अपने आसपास के जो भी लोग हैं जो जो सीख रहे हैं नए हैं उनको वो देने की कोशिश करता हूँ बिकॉज इन तथास्तु वी बिन स्पीकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम पहला जो 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 कि हमने किया था उस टाइम पे पहला स्पेशल निकला भी नहीं था देन यू हैड देन यू है कक्षा ग्यार्थी मीटिंग फुल आर्टिस्ट डू ग्रोथ इन यू ह्यूमन बींगी भी ग्रोथ हो गए यू गॉन फ्रॉम युर ट्वेंटीज टू यु थर्टीज फ्रॉम बॉय टू लेट्स ए मैन राइट इन लाइक इवन फॉर मी पर्सनली सिमिलर एज यू ऑलवेज बीन गोइंग ऑन स्टेज डुइंग एन आवर लॉन्ग शो यू टोल मी लॉन्ग टाइम गो कि यू हैव टू आवर्स थ्री अवर्स ऑफ ग्रेट मटीरियल फ्राम बिफोर दैट यू कैन मेक शोर द ऑडियंस गेट समथिंग एट वॉट पॉइंट ऑफ युअर टोर डू यू फिगर की ऐम गॉन अ रिमूव दोज थिंग्स एंड मेक स्पेस फॉर अ न्यू Like डेढ़ तीन घंटा है जो स्पेयर मटेरियल है ठीक hmm. जो है जो कि जोक्स हैं बस जोक्स हैं ठीक है hmm. जब भी मेरे दिमाग में कोई जहन में नैरेटिव आता है जैसे मान लो कक्षा ग्यारहवीं से तो स्कूल स्टोरी ठीक hmm. है हक से सिंगल रिलेशनशिप के बारे में तो एक रफ सा स्केच में पहले बनाता हूँ कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ जाएगा ठीक है ये ये इसका स्टार्टमेंट लैंड होगा ठीक है मैं तीनों चीजें फिगर आउट करता हूँ जो लोग पैसे दे के आए किसी ने अगर दो सौ रुपये भी दिए पाँच सौ रुपये भी दिए ना आपकी औकात कितनी है जितना एक सामने वाले की टिकट खरीदने की हैसियत है उतनी ही आपकी औकात है आप कितने बड़े आदमी हो जाए आप कितना बड़ा सुपरस्टार है ढाई सौ रुपये की उसकी हैसियत है ठीक है ना जितने की टिकट है उतने की आपकी औकात है आपको शो देना पड़ेगा उनको आपने पैसे लिए किसी से फ्री में तो कर नहीं रहे हो आप ट्रायल ठीक है तो ट्रायल शो भी अच्छा होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है ये मेरे वैल्यूज़ हैं ठीक है ग्रेट वैल्यूज तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो ये जो कच्चा नरेटिव है इसको वो जो मेरे पास स्पेर जोक्स है ना उनसे मैं पूरा भर देता हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन द नरेटिव मोर बिकॉज आई नो जोक्स पे तो कभी भी आके मैं संभाल लूंगा शो सो hmm. इवन so जब आप पहली बार भी शो देख रहे हो मेरा चाहे मैं पहली बार ट्राई करूँ यू फील लाइक अच्छा दो घंटे का मैंने एक परफॉर्मेंस देखा है मजा आया है मुझे जाकि खान का शो देखने का तो मजा आया मुझे hmm. ठीक है जब मैं दस बारह बार ये कर लेता हूं तो मुझे मालूम है कि नेरेटिव का थोड़ा सा उसके थोड़े हाथ पैर निकल आए हैं उसके hmm. थोड़ा वो चलने फिरने लगा है ठीक है उस एक दिन में आई रिमूव द जोक्स All of those new jokes, दस बारह शो करने के बाद पुराने वाले सारे सारे हटा दूंगा और सिर्फ बचेगाज टू वॉक ऑन इट्स ओन ठीक है उसको खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा <laughs> तो मैं इस, इस दिन में करता हूँ दो हाफ में शूज करता हूँ ठीक है कि सिंगल नेरेटिव नरेटिव वाला तो उसके सारे होल्स दिख जाते मुझे कि ये तो बहुत खराब है कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है लिटरली तो आप कुछ ना कुछ बना लोगे वहां पे आपके जहन से कुछ ना कुछ निकलेगा और कुछ कुछ बहुत बहुत शार्प बहुत स्मार्ट भी निकल जाते हैं है हाँ, तो वो भी जगह आपको मिल गई कि अच्छा यहां पे ये निकल सकता है ठीक हाँ, है हाँ, और फिर आप वो जब नेरेटिव खत्म करते हो उसके बाद एक आधे घंटे का बिटोर करते हो ताकि अगेन द ऑडियंस गोज पैसा वसूल ठीक है यहाँ पे शो तैयार हो जाता है कि जब शो जो है वो आपका हो गया है सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तैयार हो गया है है ना आपने पुराने जोक्स उसके अंदर फिट कर दिए हैं ठीक है अब आपका शो रेडी है टोर करने के लिए तब आप मुझे देखोगे बॉम्बे के बाहर टोर करते हुए जब सिक्सटी सेवेंटी परसेंट शो तैयार हो जाते हैं okay. उसमें फिर बहुत ज्यादा निटिंग हो रही होती है ठीक है उस वक्त कि ये हटाओ ये रखो नहीं नहीं ये ज्यादा बेटर लग रहा है अच्छा ये वर्क कर रहा है तो इसको इसको और थोड़ा इलाबरेट कर सकते हैं क्या क्या ये कॉल बैक पाँच बार आ सकता है क्या नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे ऐसा नहीं ऐसा करेंगे लाइक पीपल थिंक आई एम द वियरडेस्ट वेन आई एम मेकिंग अ स्पेशल बिकॉज आई विल रैंडमली कम टू यू लाइक अगर वो लड़के को हम ये बोले

और आप एक अब आपको मालूम है कि आप मुझे डेढ़ घंटे के बाद एक कुछ बड़ा डालना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका टेंशन फिर से आए वापस तो आप वो बड़ा ऐड करते हो बड़ा ऐड करते हो तो आप ये सब जबकि सिर्फ प्लेस होल्डर था ठीक है आप कुछ बड़ा ऐड करते हो अब वो बड़े का जो एडिशन है वो ब्रिज नहीं हो रहा ठीक से ठीक है तो फिर आप उसको ब्रिज कर <laughs> उसको ब्रिज करने के लिए कुछ और ऐड करते हो आप वो ब्रिज जो है वो जो बड़ा ऐड किया था उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो जो बड़ा ऐड किया था वो आप हटा दोगे ठीक है हाँ ना ये ब्रिज ज़्यादा सुंदर है ब्रिज का नैरेटिव आप एंड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप hmm. ठीक है अब ये हो गया अब ये शो बन गया तीन घंटे का अब एक शो होगा इसमें एक शो होता है खराब शो <laughs> प्लीज डेटल बिट मोर yes, खराब शो ऐसे होता है कि मान लीजिए टेक्निकल एरर हो गया hmm. ठीक है बाहर बारिश हो गई है ना भीड़ अब आप दो तीन तीन हजार का शो करते हो आप hmm. है ना बड़े शो भी करते हो आप है ना टेक्निकल ऐसे लोग माइक नहीं चल रहा है ये वो है ना ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया लोगों में लड़ाई हो गई है ना साउंड का इशू कुछ भी इशू हो सकता है उस दिन शो की शो की औकात पता चलती है बैड मूड यस उस दिन आपको भी मालूम होता है कि आपको पहले तक नहीं पता होता आपको लगता कि नहीं नहीं जरूरी है ये बिट hmm. इसको रोकना पड़ेगा उस दिन आपका दिमाग ना <laughs> काट छाट करना चालू करता है yeah. और वो तीन घंटे का शो सीधे एक घंटे पैतालीस मिनट का हो जाता है इट्स लाइक like, जब आप डेवलप कर रहे हैं तो फिर इट्स लाइक राइटिंग

उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए hmm. ठीक है तो मैंने कहा अगर मेरी ऑडियंस को ये चाहिए तो मैं यही देता हूँ तो दैट्स फाइ दैट स्पेशल वॉज हैड टू बी इट हैड टू बी रिलेशनशिप स्पेशल मैं अपनी लाइफ में मैं तो रिलेशनशिप स्पेशल दो साल पहले बना चुका था दो हजार पंद्रह में इट वॉज कॉल्ड फोर्स टू बी सिंगल फोर्स टू बी सिंगल यस देन यू कैन क्लियरली सी द डायरेक्शन चेंज यस यस तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं तो हक से सिंगल हमने उसका नाम रखा पहली स्टोरी आप सुनोगे तो बीट बाय बीट इट इज सिमिलर टू द डेली गर्ल बेट ठीक है जस्ट एन इन टू द शोशन से कुछ नहीं किया होली दिवाली का फर्क नहीं करना है मुझे लंडन वाला हिसाब नीचे जो आपने देखा गेटिंग इन बिकॉज इट सो फेमिलियर दट दे आर ऑटोमेटिकली फ्रॉम इन द शो तो उसका फायदा यह है कि आई कैन कैमोफ्लाज ऑल द थिंग्स वै नीड इन द एंड सो so, मैं वहाँ पर अपना सामान उस स्टोरी में मैंने बेसिकली वो जो पहली स्टोरी है है ना उसमें मैंने अपना सामान जमाया है सारा ताकि जो मैं एंड में यूज़ कर सकूँ सारे कॉल बैक्स वहाँ रख दिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि ये क्यों हो रहा है ठीक है कई बार अक्सर ना लोग कॉल बैक बिठा रहे होते हैं तो दिख रहा होता है कि अरे कॉल बैक दिख रहा है ठीक है ना द सेकेंड स्टोरी अगर आप दूसरी लड़की वाली स्टोरी अगर देखोगे तो उस लड़की का कोई कैरेक्टर ही नहीं है इट्स अ वन एंड हाफ मिनट इंट्रोडक्शन ठीक है चूंकि वो सिर्फ जोक्स है

ठीक hmm. है okay, ये तीन तीन पार्ट्स हैं उसके hmm. तो सेकंड स्टोरी इज जस्ट जोक्स थर्ड स्टोरी पे जब आप आते हो hmm. मिनट का सेटअप है जस्ट मेकिंग देम फील हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फॉर द शो एंड इन माय लाइफ बारह मिनट मैंने उस वीडियो वाले बिट पे hmm. मैंने बारह मिनट दिए उस बिट पे कि कौन थी लड़की कहाँ मिली स्कूल से यहाँ वहाँ हाँ ये हुआ था एक बार ये भी हुआ था ये भी हुआ था फिर ऐसे बात होना शुरू लाइक like, वो पूरा एक एक डिटेल ऑफ सेटअप मैंने आपको दिया है क्योंकि जब आखिर में जब ब्रेकअप होगा तो यू शुड ऑल्सो फील ना कि कुछ हुआ है कुछ लॉस की फीलिंग आपको भी आनी चाहिए ठीक है पीपल ट्राई टू टॉक अबाउट लॉस इज अ लॉट ठीक है ना पर आपने सेटअप ही अगर नहीं किया है तो वो खाली लगेगा और पीपल एंड पीपल ट्राई टू फेक इमोशंस ऑल्सो एट टाइम्स अगर आप जी नहीं रहे हो तो फिर आप कोई मतलब नहीं है आपका कहानी बताने का करेक्ट है yeah. ना

बचपन में दो हजार आठ नौ में फिल्म राइटिंग का कोर्स कर लिया था हाँ। इंटरनेट से डाउनलोड कर करके पढ़ लिया था थो थोड़ा बहुत तो वो काम आता है okay, सीखा हुआ okay. कभी भी कुछ भी कोई भी कुछ कोई चीज है mm. ना आप लगाना भी सीखोगे ना वो भी जिंदगी में काम आएगी सीखा हुआ कुछ वेस्ट नहीं जाता है

So that's the three act. Okay, now I'm gonna try. Tell me if I got it right for Tathastu or not. Yes, in sir. my um, for the three act structure that I was also able to see because I was just so excited because Isbar special me. You've only told them act one, act two, act three. Yeah, I was like, catch kya chupana hai? hai lo, yaar. <laughs> so even in that um, first act me, uh, paradise, Swart, yes. uh joint family, nuclear family comparison say instead introduction of the uh, the primary character. Uh, which is ustad uh, munadun khan uh, eagle uh, chief guest on 15 establishing character 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 again all of the, nothing is about zakir in this it's about zakir's perspective what i was telling you, you know ki, you are looking at the incidents that's happening but like you are seeing it as opposed to isko kis angle se tackle karen. then when he wanted to teach you and take it forward uh varma ji which is purana all are just setting up character yes sir. uske baad jab, neha this i think is called the inciting incident right like

going to bopal going back home bank valley center these are all good jokes that go in अब आदमी बहुत गलेबल काम होती है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या हो गया आप एक बहुत डेंस नैरेटिव में एंटर कर, कर गए हो आप hmm. और पूरा यूनिवर्स जो है वो इट्स ओनली गोइंग टू बी अबाउट दिस वन पर्सन या सो किसी भी पॉइंट पे ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए कि उनके बारे में कुछ नहीं आएगा सो दिस इज माय दैट सुन रहे हो ना इट सेड अगेन ये मेरा वही है बेसिकली ये है मेरा स्पेशल के अंदर की सुन रहा है ना इट्स जस्ट लाइक मी चेकिंग देम हाँ कि आई यू लिस्निंग सो जस्ट वन जोक फॉर देम देन बैक Oh, that's why you put out because I thought this admi Gullible comment see, couple of things that I was saying yes, later it'll also come. No yeah, Kachwa yeah. Chap. Ah. Kachwa Chap was a nice bit about Kachwachap. Yes. And then you bring them back to the story. So this is another refresher point for the audience to yes. go narrative yeah. ke andreik, narrative and bring back to the main yes, narrative. So the divergence are usually for audience to just check them. Are you in it with me? Yes. Come on, let's go. Okay, again.

Like, I would say if if we didn't have images, or if this was an audio show for nobody, I would imagine like a Santa Claus, yes, kind yes, of character, yes. like a nice, bearded, <laughs> rounded, happy, oh, 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 oh man. <laughs> uh, clearly, by this time, nobody knows what's coming, so it seems like an animosity, Dono I mean, you're mocking him mm. as such. Pupaji character.

हम्म hmm, hmm, आपने hmm. किसी जोक से मैं कोशिश करता हूँ कि uh, विरोधाभास ना हो विरोधाभास मतलब मतलब डिसेन्स डिसेन्स ना हो ओके है ना ओ फ्रॉम द कैरेक्टर या दे पाप अप इनटू थिंग रियली फनी बिकॉज़ ये स्पर्श द द एंटायर बिट एंड्स विद वो स्पर्शी स्पर्श स्पर्शी स्पर्श स्पर्शी स्पर्श इट वाज़ इट वाज

तो मेरा ये कहना है कि घर ऐसी चीज़ है साहब कि आप चाहे मर्जी से छोड़ो या आपको कोई निकाले या आप मर्ज़ी से छोड़ो ठीक है ना आप कभी भी टूट के अलग नहीं होते यू डोंट ब्रेक अवे फ्रॉम योर होम ठीक है आप जैसे कपड़ा नहीं होता है कपड़े को अगर खींचो कई बार नहीं कार में किसी का दुपट्टा आ जाता है और कार चल देती है तो खिंचता है ना उसका उसका रेशा, रेशा रेशा अलग होता है उसके धागे खुलते हैं उसमें तो वैसे चिर के अलग होते हो आप और उसके जो धागे हैं ना जो एक दूसरा फटा हुआ जो कपड़ा होता है उसके जो धागे रह जाते हैं ना एक तो चला गया कहीं और हाँ ना क्योंकि एक पीस तो आपका घर पर ही रहेगा आपके दिल का उसके धागे ना कभी बनते नहीं पीकू होता है पीकू होता है ना पीकू का यही काम है जो साड़ियों में पीकू होता है ना कि वो जो जो उसकी जो थ्रेड्स हैं आसपास की वो वो उनका उनको बांधता है वो तो मेरा कहना है कि उसके धागे कभी बनते नहीं है उसके जो निशान है ना वो आपकी सदा आपकी पीठ पे रहते हैं कि ये कहीं से उखड़ के आए हैं ठीक है अगर दो प्लाई बोर्ड चिपके होंगे एक घो हड़ोगे तो उनपे ना हमेशा रह जाएगा थोड़ा गोंद रह जाएगा थोड़ी दूसरे प्लाई बोर्ड की लकड़ी रह जाएगी तो उखड़ के आएंगे विस्थापित होता है माइग्रेटेड तो उसके जख्म जो है क्योंकि पीठ से उखड़े हो आप तो उसके जुख्म जख्म जो है ताउम्र नहीं भरते कोई भी देख के बता देगा कि ये विस्थापित हैं ये माइग्रेटेड हैं कहीं और से आए हैं क्योंकि जो, जो डर जिस डर से आप जीते हो जो जो आप 24 घंटे जो आप चौकन्ने रहते हो मुझे आदत है मुझे पूरे टाइम अपना फोन और पर्स चेक करने की आदत है जो इंदौर में नहीं थी ठीक है ना कि यहाँ कौन जाएगा तो सारे घर से लेके आएंगे उससे अच्छा पर आप बाहर रहते हो तो आपको ना आपका ख्याल रखना है घर आना है जैसे मैंने उम्मीद हमने किया था उम्मीद में मैं निशान में कि मुझे सबसे खराब लगता है घर आना जो इतने बड़े परिवार में पलते बढ़ते हो इतने घर में चिल पाओ रहती ऐसे में खुद दरवाजा खोलना और लाइट चालू करना मेरे को तो बड़ा सैड लग <laughs> लगता है कि घर आके दरबा बत्ती चालू करी घर पे कोई है ही नहीं है yeah. तो वैसा तो वो था वो hmm. कि घर क्या होता है hmm, hmm, hmm. तो ये मेरा मानना है कि आप जब घर से जुदा होते हो ना hmm. तो आप ऐसे नहीं होते हो कि ओके ग्रेट नाउ इट्स अ डिफरेंट यूनिट नाउ इट विल फंक्शन ऑन इट्स ओन दैट्स ट्रू बिकॉज दैट्स व्हाई पुट दैट वेरी इंपॉर्टेंटली कि इस टाइम पे आया बिकॉज ये और रिपीट हो रहा है सेकंड एक्ट बिकॉज इट इज एक्साइल Uh, which is Act One is establishing character. Act Two is problem happens and adoption of the problem, and of course Act Three is return back to home. So in a three-structure act, same thing with Kaksha uh, also. I can now see the parallel of it. Uh, you establish Vishwas, then Abaji, then Vishwas. you know, if you are all going to eat together, the Abaji character coming back and again another important point that comes is this T3 PD bigger gay. Yes. Again, an important point. Immediately subverted with another joke, right? Which you yeah. you told me ki, uh, you told me me earlier also like no? like it needs to have jokes consistently all through, out, all throughout, throughout. Uh, except for third act when that's टली सबर जो राइटोटेंटली शुरू में जब हम कर रहे थे ना तो सब लोग बोलते बहुत इमोशनल शो इमोशनल शो hmm. पर मेरे को था कि ये बहुत फनी भी होना चाहिए क्योंकि hmm, 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 hmm. अगर इमोशनल शो है ना तो ऐसा नहीं कि हमने पहले कभी इन चीजों के बारे में बात नहीं करी एज अमेडियन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट गॉट टू बी फनी वॉन्ट टू कन्वे ईच एंड एवरी मैसेज ठीक है तो वो कितनी भी डीप बात हो वो फॉलो अप उसका जोक से ही होगा ठीक uh, है yeah, I mean, I... ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्यों ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जोक फोर्स किया hmm. आपको वही बात है ना कि smoothness उसकी बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि huh. यहाँ पे अगर मैं, मैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम दे वेन वी गेट टू दैट वी गेट टू दैट यहाँ पे आप क्या करोगे आपने डीप बात बोली आप खट से जोक में जा रहे हो तो यू आर ऑल्सो ट्रेनिंग योर ऑडियंस इन द शो वेन आई सो दिस फॉर अ सेकेंड आई वॉज लाइक आई नो बिकॉज अभी क्या आने वाला है सो इन माई हेडम लाइक इज दिसक यू सैट इट्स व प्रेपरेशन फॉर मी आई जस्ट थॉट दैट दिस इज द पर्सनैलिटी दैट यू आर सो मतलब ऑर्गैनिकली आ गया होगा बट नोइंग दैट इफ इट्स पार्ट ऑफ इट्स लाइक ली प्री मेडिटेटेड बिकॉज यू नो एज अ पर्सनैलिटी एवरी ह्यूमन में हर एक आदमी में होते हैं कई आदमी ठीक है शेयर है ऐसा ठीक है तो एज अ पर्सनैलिटी वी आर सो मल्टी डायमेंशनल ठीक है कि यू कैन बिकम वॉट एव आई पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम ऑन दैट डे ठीक है

मैं ये भी हूँ वो प्रॉब्लम भी हूँ बट uh, सेल्फ डिग्निटी भी मैंने रखनी yes. है। दिल्ली में जाना बॉम्बे दिल्ली भेज दो भाई वॉज इज अर्फेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक प्रॉब्लम हो रही है बट आई वु अवे फ्रॉम फैमिली ठीक है एंडिंग ऑफ एक्साइल the closing of this is radio job now nah? then aib characters established everything the the last 1.5 lakhs a month great reveal because i had seen that somewhere that you were doing it and even i was just like oh it's right in front of your eyes that like you know the negotiation how it's going the reason you i'm were not in that reason, room by the way that, that day when i was negotiating. i was in that i saw this that's i, I don't know where this was this was in the middle of the office hmm Hmm. Ragu was sitting next to me, and you were right opposite me on that another table. You were working. Okay. While I was talking to Ashish <laughs> <laughs> during the <laughs> <Yeah>. negotiation, brother, even I I am like, "Toda rooper poor." Thanks, <laughs> brother. I <laughs> fortnightly <Really good>. <laughs> <puchyo>. <laughs> uh, Final one is the third act. 55th minute, may this starts right now. This has again a continuation of how you are doing really well with Diwali segment. Hua, like uh, YouTube. This is the most current current you. एवरीथिंग एल्स हो सकता है ना कि जैसे कक्षाकार लिखी है तो फिर इट्स अ पास पर्स्पेटिव दिस इज वेरी करंट दिस इज लाइक लेस टूर्स इट कॉन्ट बी रिटर्न इन द लास्ट सिक्स ईयर्स के बाद नहीं डाला देन कम्स वन ऑफ इतने तो uh, ख्वाब मैंने देखे, देखे भी, भी नहीं, नहीं जितने पूरे हो गए हैं राइट द लाफ्ट चैलेंज बिट फुल्ली आई एम रनिंग डायरेक्टली टू द मेन पार्ट आई वॉन्ट इट जॉस अब्बा जी इज लास्ट कॉल वेर यू सैड की आई कैन मेक इट फॉर द वेरिंग एंड दायर Conversation that goes. Then starts what I think is the silent part of the comedy special, but the most attentive part. This part of the entire special, I think, for me also, left the most amount of impact as far as memory is concerned. I don't remember how you finished the show. I mean, only when I've written it, but I do remember that part specifically. Do you think this is something you faced when you were doing shows as a tour also? What is your. As a comedian, the silence and that gripping of the audience on a very different emotion than expected, well, thought of or it cultivated on stage. So ये अकेला शो का पार्ट है जो लिखा हुआ नहीं था जो कि जिसका कोई sequence नहीं है जिसका कोई आ, कोई उसका हिसाब नहीं वो पंद्रह मिनट भी हो सकता है वो पच्चीस मिनट भी हो सकता है वो पैंतालीस मिनट भी हो सकता है हर शो में मैंने उसको क्योंकि मुझे समझ में कि अगर मैं बार बार करूँगा तो उसका ऑथेंटिसिटी तो जाएगा ही जाएगा है ना और उसका पूरा उसमें मैसेज मिस हो जाएगा इमोशनल लॉग लाइन इंपॉर्टेंट है लाइक इवन वेन यू यू से नो यूर बिल्डिंग अ स्पेशल यस इमोशन कम्स फर्स्ट और स्टोरी कम्स आफ्टर कैरेक्टर्स एवरी थिंग फॉलो दिस पार्ट ऑफ द स्पेशल बिकॉज यू डिड एर फोर सो लॉन्ग विद सो मेनी डिफरेंट प्लेस इतना ही कस्टमाइजेबल है एंड इट्स बिकम टाइटर वॉज इट इन एडिट डिड यू मेक इट शॉर्टर वॉज देर अर लॉट टू रिमूव बिकॉज Yeah, yeah, I did. I okay, did. okay. this would be the most edited to make it succinct for an online audience, right? Because yeah. emotions are still coming out because you've just understood what's happened and you're giving your entire time for the same. Taping a ka in Canada, different because yes. in the Canada show you could also see Vancouver Mickey I've done this. I just want you to know as opposed to I don't want to feel, but I felt this. I want you to feel about that. Yeah, yeah. I'm hmm. with you at that moment. Yeah. ऑल्सो कैनेडा शो क्योंकि टेपिंग के बाद था और क्योंकि शो हर शो के साथ ग्रो करता है तो उसकी जो उम्र है वो टेपिंग वाले शो से दस साल ज्यादा थी क्योंकि हाँ, मैंने चालीस पैंतालीस वैनकूवर शो जो शो है चालीस सौ पैंतालीस का शो था हाँ, तो चालीस शो अगर कर लिए तो हाँ, उसके बीच तो, में तो स्पेशली चेंज हो गया पर मैंने कोशिश करी कि मैं उसको उतना ही इंटैक्ट रखूं जितना मैं रख सकता है तो हमने जो स्पेशल का एंड है वो एंड जो है वो एक हफ्ता पहले ही बनाया टेपिंग के ये फुल जमाई जमाई वाला यस यस इससे पहले like, okay. I mean, no, <laughs> <yeah. laughs> uh, इन uh, हमने uh, मलाड में एक शो किया था उसमें yeah. हमारे बहुत सारे दोस्त आए थे नेहा का कॉल बैक टू कम करेक्ट एंड फॉर मी इवन इन इन रियल लाइफ आल्सो दैट कॉल बैक दैट कॉल फ्रॉम नेहा वाज सो इमोशनली पोटेंट दैट When she claimed कि हाँ फोटो थी hmm. न, कि हाँ वो मिले हैं एंड जस्ट बाइंड फॉर मी कि हाँ यार ये हुआ था ये हुआ तो उसी तरह जब तो फिर हम उसी पे खत्म कर रहे थे वही hmm. जी जो बोलते हैं वो होता है, वो है, हाँ. वहाँ पे हम वो खत्म कर रहे थे अरे तेरा नाम लेते थे फिर वो वाले जोक्स नहीं थे वो शादी के आगे पीछे आएगा खान साहब हर टाइम सही बोलते उसके पहले वाला जो जोक है हाँ,

कि आप रो रहे हो पर आपको हंस रहे हो फिर रिलीफ मिल रहा है फिर आप रो रहे हो फिर आप हंस रहे हो फिर यू आर अगेन स्टोरी फिर आप हंस रहे हो फिर तो आपको मैं आप सो so दैट्स इतना कमांड फील होता है ना उस वक्त जब आप स्टेज पे होते हो कि अभी रो रहे हो अभी तो मैं हंसा दू ये अगली लाइन में तो हंसने वाला है भाई तू ठीक <laughs> ये मैं पिछले तीन साल से फोर्स करके ये एपिसोड करवा ये सेटअप सब ये सब मैंने इसका खर्चा उठाया है ये जबरदस्ती का शूट हुआ बस